नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों, NIOS के सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं सामुदायिक स्वास्थ्य के कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को लेकर आपके सामने, जिनके विषय में आप पहले थ्योरी पार्ट में वीडियो लेक्चर के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही प्रैक्टिकल मैनुअल पार्ट टू के कुछ प्रैक्टिकल्स के बारे में, जिनकी आप जानकारी थ्योरी पार्ट में पहले ले चुके हैं। आइए सबसे पहले जानकारी प्राप्त करते हैं गर्भ निरोधक उपाय अर्थात कॉन्ट्रासेप्टिव्स मेजर के बारे में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत में जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और जितनी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है उतनी तेज़ी से हम संसाधन जो हैं उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे देश में बेरोजगारी, अशिक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए हमें गर्भ निरोधक उपाय के बारे में जानकारी प्राप्त होना अत्यंत आवश्यक है। तो आइए एक झलक डालते हैं कि क्या क्या गर्भ निरोधक उपाय हैं। इसके बाद हम देखेंगे एक वीडियो लेक्चर जिसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को प्राप्त होगी। पहले एक छोटा सा हम जान लेते हैं कि गर्भ निरोधक उपाय क्या हैं। जन्म को नियंत्रित करने, गर्भधारण को रोकने या दो बच्चों के बीच अंतराल रखने की जो विधियाँ या उपकरण हैं उन्हें गर्भ निरोधक उपाय कहते हैं। अर्थात जब हम बच्चे को चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है वह हमारा जब हम चाहें तभी उत्पन्न हो, या हम गर्भधारण को रोक के रखें, वही हमारा जो काल है उसका गर्भधारण का, उसको हम अभी नहीं चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं, या दो बच्चों के बीच में अंतर रखना चाहते हैं, उस समय जो हम विधियां या उपकरण प्रयोग में लाते हैं उन्हें हम गर्भ निरोधक उपाय कहते हैं। ये महिला और पुरुष दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं। ये सुरक्षित यौन संबंध, जैसे पुरुष या महिला यदि निरोध का उपयोग करते हैं, कंडोम का उपयोग करते हैं, उनके माध्यम से यौन संचरित संक्रमण को रोकने में भी मदद कर सकते हैं। गर्भ निरोधक उपायों को मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहला है अस्थायी उपाय। यह ऐसा उपाय है जिसे जब चाहे बंद करके पुनः गर्भ धारण किया जा सकता है। इसका उपयोग दो बच्चों के जन्म में अंतर रखने के लिए किया जा सकता है। इसके भेद हैं आपके अवरोधी उपाय, अंतर गर्भाशयी उपकरण जिसे हम IUCD कहते हैं, हार्मोन युक्त औषधियाँ। अर्थात इनके माध्यम से आप अस्थाई उपायों का, जो अस्थाई आपके गर्भ निरोधक उपाय हैं उनको अपना सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं अवरोधी उपाय, इनको हम बैरियर मेथड भी बोलते हैं। ये तीन प्रकार के हैं, शारीरिक अवरोध, रासायनिक अवरोध, मिश्रित अवरोध। शारीरिक अवरोध में आते हैं आपके कंडोम, जो महिला और पुरुष दोनों यूज़ करते हैं, डायफ्राम, योनिस्पंज, जो कि महिला इस्तेमाल करती है। रासायनिक अवरोध में क्रीम, फोम, सपोजिट्री आते हैं, और मिश्रित अवरोध में आपके शुक्राणुनाशी कंडोम और शुक्राणुनाशी डायफ्राम आते हैं। इसके बाद है आपका अंतर गर्भाशयी उपकरण IUCD। इसमें ये तीन प्रकार के होते हैं, लूप, कॉपर्टी और हार्मोन स्रावी कॉपर्टी। जैसा आप चित्र में देख सकते हैं कि इनकी क्या क्या शेप्स हैं, किस प्रकार के ये होते हैं, तो एक बार आप इनको ध्यान से देख लीजिए कि ये किस प्रकार दिखाई देते हैं। विभिन्न प्रकार के अंतर गर्भाशयी उपकरण IUD जो हैं, आप इन चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि ये कितने प्रकार के हैं, कैसे दिखाई देते हैं, और गर्भाशय में इसकी लगने के पश्चात स्थिति कैसी होती है। ये टी के शेप में अंदर जाके खुल जाता है और इस प्रकार से ये गर्भाशय को आच्छादित कर लेता है, अर्थात ढक लेता है। हार्मोन युक्त औषधियाँ, ये औषधियाँ अंडोत्सर्जन में अवरोध पैदा करती हैं, अर्थात जो फीमेल्स के अंडा निकलता है, ओम निकलता है, उसको उत्पन्न होने से रोकती हैं। खाने की गोलियां, जिसमें हम कंबाइंड पिल्स और मिनी पिल्स लेते हैं। इंजेक्शन, जिसमें डेपो प्रोवेरा, जो 3 महीने तक गर्भधारण नहीं होने देते हैं। और सब डर्मल इम्प्लांट, यह त्वचा के द्वारा हमारे शरीर में धीरे धीरे जाती है और गर्भधारण को रोके रखती है। दूसरा आता है स्थायी उपाय, ऐसा उपाय जिसके बाद पुनः गर्भधारण नहीं किया जा सकता। अर्थात अगर ये उपाय हम कर लेते हैं तो पुनः गर्भधारण की जो चांसेस हैं वो नहीं रहते हैं। यह उन लोगों के लिए उपयोगी है जिनका परिवार पूरा हो चुका है और उन्हें आगे बच्चे पैदा नहीं करने हैं। तो स्थायी उपाय जो है आपका, जब फैमिली आपको लगता है कि कंप्लीट हो चुकी है, अब आपको आगे और बच्चा नहीं चाहिए, और तो आप स्थायी उपाय अपना सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि कब उन्हें स्थायी उपाय अपनाना चाहिए। स्थायी उपाय दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी होती हैं। पुरुष नसबंदी दो प्रकार की होती हैं, सामान्य जिसमें वैसेक्टोमी हम बोलते हैं कि चीरा लगा के जो होती है, और दूसरा है आपका NSV नॉन स्केलेपल वैसेक्टोमी, जिसमें चीरा नहीं लगता है। महिला नसबंदी एक ओपन ट्यूब लाइगेशन होता है, और दूसरा आपका लेप्रोस्कोपिक ट्यूब से लाइगेशन होता है, जो कि आप
छोटा प्रोसीजर होता है ऑपरेशन थिएटर में किया जाता है। आइए अब हम एक वीडियो देखते हैं जिसके माध्यम से जो अभी तक हमने आपको जानकारी दी है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा का हम विषय इसमें कवर करेंगे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जानना। चलिए आइए देखते हैं ये वीडियो। नमस्कार, मैं डॉक्टर स्नेहलता दोरनाला, बाल रोग विशेषज्ञ, वैद्य यज्ञेश्वर शर्मा, आयुर्वेद महाविद्यालय कुर्जा से बोल रही हूँ। मेरे साथ डॉक्टर ज्योत्सना ठाकुर, स्त्री रोग प्रसूति विशेषज्ञ है। मैडम, इनसे आज हम ये जानेंगे कि फैमिली प्लानिंग मेथड क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, और इसके अधिक जानकारी के लिए आप कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के बिहाफ पे मैं क्वेश्चंस पूछने जा रही हूँ, तो आइए देखते हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैम। मैम, हमारे ये कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स के लिए एक फैमिली प्लानिंग का एक पूरा अध्याय है, उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आपके पास हैं, तो आप ये बताइए कि ये फैमिली प्लानिंग का मतलब क्या है? फैमिली प्लानिंग का जहाँ तक विषय है तो फैमिली प्लानिंग जो है वो ऐसे मेथड्स हैं कॉन्ट्रासेप्शन के, इस तरह के मेथड्स हैं जिनमें कि जो प्रेगनेंसी है उसको प्रिवेंट करने के लिए, चाहे वो टेम्प्रेरी मेथड्स हों चाहे वो परमानेंट मेथड्स हों, उनको यूज़ किया जाता है टू प्रिवेंट द फ्यूचर प्रेगनेंसी। और फॉर स्पेसिंग द बर्थ, हम स्पेस देना चाहते हैं दो बच्चों के बीच में, तो उसके लिए भी ये जो मेथड्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। ऐसे क्या क्या मेथड्स हैं मैम? अभी कंट्रासेप्शन के जो मेथड्स हैं उनमें कुछ टेम्प्रेरी मेथड्स हैं, कुछ परमानेंट मेथड्स हैं। टेम्प्रेरी मेथड्स में अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे बैरियर मेथड्स, जिसमें कि जो है वो बैरियर रहेगा, जो कांटेक्ट है स्पर्म का वो नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए जो मेथड्स आते हैं वो है मेल के लिए, जैसे कॉन्डोम है, और जो गवर्नमेंट की सप्लाई है उसमें भी अवेलेबल रहते हैं कॉन्डोम। ये जस्ट लाइक अ पॉच होता है पॉलीयूरेथेन का बना हुआ, जिसको कि मेल जेनिटेलिया पे पुट ऑन किया जाता है, और ये भी प्रिवेंट करता है स्पर्म का ट्रांसफ़र इनटू द यूट्रस, उसको प्रिवेंट करेगा। इसके अलावा जो है कुछ जो केमिकल्स आते हैं उसमें जेलीज होती हैं, क्रीम्स होती हैं या फोम टेबलेट्स होती हैं, उनको यूज़ किया जाता है, या फीमेल कॉन्डोम या फीमेल डायफ्राम या फीमेल कैप आती हैं, उनको जो है फीमेल जेनिटेलिया में जो है बिफोर इंटरकोर्स जो है वो अबाउट 5 मिनट्स पहले जो है उनको अप्लाई कर दिया जाता है, और फिर जो है वो एज अ स्पर्मिसिडल एक्ट करती हैं और स्पर्म को किल करती हैं, इस तरह से वो प्रिवेंट करते हैं। ये टेम्प्रेरी मेथड्स में आता है। इसके अलावा कुछ नेचुरल मेथड्स होते हैं कंट्रासेप्शन के, नेचुरल मेथड्स में है जैसे रिदम मेथड है। इसमें ये होगा कि हमें पेशेंट को एडवाइज़ करना पड़ेगा कि जो उसका फर्टाइल पीरियड है वो उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो फर्टाइल पीरियड वो अपना कैसे कैलकुलेट करेगी, तो इसके लिए हम पेशेंट को कह देते हैं कि वो जो फर्स्ट 6 to 12 months तक वो अपना रिकॉर्ड रखे अपने साइकिल्स का, कि उसके साइकिल कब आ रहा है, कितने डेज़ का आ रहा है, पूरा इंटरवल के साथ उसका रिकॉर्ड रखेगी। और उसके बाद हम उसमें देखेंगे कि उसका जो सबसे शॉर्टेस्ट साइकिल कौन सा था और सबसे लॉन्गेस्ट साइकिल कौन सा था। तो जो शॉर्टेस्ट साइकिल होगा उसमें से हम 20 डेज माइनस करेंगे, और जो उसका लॉन्गेस्ट साइकिल होगा उसमें से हम 10 डेज माइनस करेंगे। तो जो डेज बीच में आ रहे हैं वो डेज जो है जो उसका फर्टाइल पीरियड है, उस दौरान पेशेंट को हमने एडवाइस करना है कि उसने एब्सटिनेंस में रहना है, उस टाइम पे जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है, वो उसका फर्टाइल पीरियड है। एक तो ये रहता है नेचुरली। सेकेंड रहता है टेम्परेचर रिदम में हम क्या पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो डेली जो है मंथली अपना टेम्परेचर जो है वो डेली बेसिस पे किसी पर्टिकुलर टाइम पे रिकॉर्ड करे और उसकी पूरी रिकॉर्डिंग रखे। फिर उसमें हम देखेंगे कि जो भी डेज रह रहे हैं जिस दौरान टेम्परेचर उसका रेज्ड है, बेसल बॉडी जो टेम्परेचर है वो रेज्ड रहेगा, तो वो 3 दिन और उसके साथ के जो है पीछे के 3 दिन वो उस टाइम जो है एब्सटिनेंस को मेंटेन करेंगी। इसके अलावा जो थर्ड रहता है वो रहता है म्यूकस रिदम। उसमें भी हम पेशेंट को ये एडवाइस करते हैं कि वो नोटिस करेगी होल मंथ, पूरा महीना वो अपना नोटिस करेगी कि कब उसको कौन से डेज में लगता है कि म्यूकस सिक्रीशन जो है वो परबेजैनली ज़्यादा हो रही है। तो वो जो डेज रहेंगे जिनमें म्यूकस की सिक्रीशन ज़्यादा होगी, उस दौरान हम उसको एडवाइस करेंगे कि उस टाइम पे एब्सटिनेंस रखना है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि तब जो है वो ओवुलेशन होगा और उसके बाद प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा, वो थर्मोजेनिक है तो इसलिए टेम्परेचर उस टाइम रेज होगा और उस वजह से जो है वो म्यूकस की सिक्रीशंस भी बढ़ेंगी, तो उस दौरान हम उसको एडवाइस करेंगे कि एब्सटिनेंस में रहे। ये तो हो गए नेचुरल मेथड्स। इसके अलावा आती है इंट्रायूटराइन डिवाइसेस, जैसे कि ओपन डिवाइसेस होती हैं, कुछ क्लोज डिवाइसेस होती हैं। क्लोज डिवाइसेस जो हैं अब वो बैन हो गया, उतना यूज़ में नहीं है, लेकिन ओपन डिवाइसेस जो हैं वो ज़्यादा यूज़ में। तो उसमें कॉपर टी है, जैसे कॉपर टी 200B है, 4 ईयर्स के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं, स्पेसिंग ऑफ बर्थ के लिए बेस्ट है। इसके अलावा जो है वो कॉपर टी 380A है, उसको प्रोलॉन्ग पीरियड अगर आप 10 ईयर्स के लिए भी यूज़ करना चाहते हो तो 10 ईयर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा जो है मल्टीलोड आ गई है, ठीक है, तो मल्टीलोड यूज़
यूज़ कर सकते हैं। मल्टीलोड 375 है, इसमें 5 ईयर्स के लिए आती है। और इसके अलावा जो है वो डिवाइसेस आती हैं LNG IUS, ठीक है, लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल की इंट्राउट्राइन डिवाइसेस होती हैं। ये हार्मोन कंटेनिंग डिवाइसेस हैं, क्योंकि जो कॉपर टीवीआर है इनमें कॉपर रहता है और कॉपर भी जो है वो इंटरफेयर करता है इम्प्लांटेशन के साथ, तो प्रिवेंट करेगा प्रेगनेंसी को। लेकिन जो LNG डिवाइसेस हैं ये हार्मोन कंटेनिंग डिवाइसेस हैं, तो इनमें हार्मोन प्रिपरेशंस रहती हैं जो कि हमारी जो गर्भाशय की झिल्ली होती है उस परत को बनने में रोकती हैं। जब वो परत नहीं बन पाई तो अगर स्पर्म और ओवम का मिलन हो भी जाता है तब भी जो है वो प्रेगनेंसी वहाँ पे नाइडेशन जो है उसका नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये डिवाइसेस भी अब ज़्यादा यूज़ में हैं। इसके अलावा जो है आती हैं स्टेरॉयडल कॉन्ट्रासेप्शंस, तो उसमें जो है वो पिल्स आती हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। उसमें कुछ कंबाइंड पिल्स भी होती हैं जिसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों रहता है, और कुछ जो होती हैं वो ओनली प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग पिल या फिर ओनली एस्ट्रोजन कंटेनिंग पिल। जो OCPs हैं, जो ओरल जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, ये जो वर्क करती हैं ये तो इस तरह से करती हैं, या तो ये ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करती हैं या तो फिर ये जो एंडोमेट्रियम की जो झिल्ली है हमारी गर्भाशय की सतह है उसको बनने से रोकती हैं, या फिर जो म्यूकस है सर्वाइकल म्यूकस है उसको बहुत ज़्यादा स्कैंटी कर देती हैं, जिसकी वजह से स्पर्म जो है वो पेनिट्रेट ऊपर गर्भाशय में नहीं कर पाता है और इस तरह से प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं। और इसके अलावा जो आती हैं वो है परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन। परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन में आता है वैसेक्टमी और ट्यूबक्टमी, जो है वो फीमेल के लिए, वैसेक्टमी जो है वो मेल्स के लिए आती है। और इसके अलावा नाउअडेज़ अब इंजेक्टेबल भी आ गए हैं, तो इंजेक्टेबल में अब जो आती हैं कॉन्ट्रासेप्शन के लिए उसमें जो DMPA है, डिपॉट मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट के इंजेक्शंस हैं, या फिर नॉरिथिस्ट्रॉन एंथनेट के इंजेक्शंस आते हैं। ये शॉर्ट टर्म के लिए हैं, जैसे कि इंजेक्शन जैसे DMPA का इंजेक्शन है तो 150 mg का होगा तो एवरी 3 मंथ्स उसको लगाना पड़ेगा, अगर 300 का होगा तो एवरी 6 मंथ उसको रिपीट करना पड़ेगा इंजेक्शन, तो इसमें ये है। और दूसरा इसका ये ड्रॉबैक है कि जब इसको यूज़ करते हैं तो अगर आपने इसको शॉर्ट टर्म स्पेसिंग के लिए आपने यूज़ किया है और उसके बाद आप चाहते हैं कि उसको दोबारा प्रेगनेंसी हो जाए तो थोड़ा डिले हो जाती है, इसमें अबाउट 6 to 8 मंथ्स जो है वो लग जाते हैं दोबारा कंसीव करने में, इसका ये ड्रॉबैक रहता है। और इसके अलावा अब नॉट प्लांट्स आ गए हैं। नॉट प्लांट्स जो हैं जस्ट कैप्सूल लाइक होते हैं, कैप्सूल है, उनमें भी फिल किया गया हार्मोन्स, हार्मोन कंटेनिंग कैप्सूल्स हैं। उनको जो हमारी लेफ्ट आर्म जो नॉन डोमिनेंट आर्म रहती है उसके अपर एस्पेक्ट में, एल्बो से अबाउट 6 to 7 cm अबव जो है इस पे, इस एस्पेक्ट पे, इनर एस्पेक्ट जो है आर्म का, इस पे जो है वो इम्प्लांट कर दिए जाते हैं। लेटेस्ट जो है वो इम्प्लांट कर दिए जाते हैं, और ये भी लॉन्ग टर्म जैसे 10 ईयर्स तक का भी नॉट प्लांट आता है। तो ये जो है वो एज अ, अगर कोई परमानेंट स्टरलाइजेशन नहीं करवाना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए ये भी मेथड जो है वो बेटर है। मेरा अगला प्रश्न है कि हमारे जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स घर घर जाके हर एक महिला को जागरूक रखने के लिए इसके लाभ बताइए, और वो भी ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स ना यूज़ करके आम भाषा में समझाइए। ठीक है, जो फैमिली प्लानिंग है इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, क्योंकि पहले के समय में हम देखते थे कि मदर का जो डेथ रेट है वो बहुत ज़्यादा था। मदर की जो आफ्टर डिलीवरी की बात करें हम, चाहे वो अनवांटेड प्रेगनेंसीज होकर के अनसेफ अबॉर्शंस करवा रही है, इस वजह से चाहे हम बात करें तो बहुत ज़्यादा जो है वो डेथ रेट का चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा थे। इसके अलावा हम उसके हेल्थ स्टेटस को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जल्दी जल्दी बार बार प्रेगनेंसी हो जाती है, इसलिए हेल्थ स्टेटस बिल्कुल रिस्टोर हो नहीं पाता है, और इस वजह से मदर की डेथ और इलनेस बहुत ज़्यादा रहती है, नहीं दे पाते रिस्टोर हो जाए, क्योंकि हम मानते हैं कि कम से कम 3 साल उस स्टेटस को दोबारा रिस्टोर होने में लगते हैं, लेकिन जब बार बार जल्दी जल्दी प्रेगनेंसी हो जाएगी तो उस कंडीशन में फिर मदर की डेथ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और दूसरी बात, बच्चे के लिए अगर हम देखते हैं तो उसमें अगर बार बार प्रेगनेंसी होगी तो जो बच्चा पहले से पैदा हो रखा है उसकी केयर अच्छे से नहीं हो पाएगी, उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलेगा, वो फीडिंग उसको नहीं करवा पाएगी, तो इस वजह से उसकी भी हेल्थ जो है वो अपसेट होगी, तो इसमें बच्चा भी जो है वो सफ़र करेगा। तो मदर और जो बेबी है दोनों के लिए जो है वो हैज़र्ड्स हैं अगर हम फैमिली प्लानिंग को यूज़ नहीं करते हैं। तो एक तो मदर की हेल्थ स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए, ताकि वो बर्थ स्पेसिंग कर सके और वो फ्री रहेगी कि वो जब चाहे तब वो पैदा कर सकती है बच्चा दूसरा, और बच्चे के लिए भी बेटर है कि उसकी न्यूट्रिशन प्रॉपर होगी, उसकी देखभाल प्रॉपर होगी, और थर्ड जो है
और जो थर्ड जो मेन है वो हम इकोनॉमिक पर्पज से देखें तो वो भी उसके लिए फैमिली के लिए इकोनॉमिकली ज़्यादा बेटर होगा कि जितने कम बच्चे होंगे और स्पेसिंग होगी उतना उनकी ज़्यादा केयर कर पाएंगे। और इसके अलावा सबसे बड़ा बेनिफिट है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन जो है वो होगा कि हम जनसंख्या नियंत्रण कर पाएंगे और इसके अलावा जो है वो इकोनॉमिक वर्डन जो है वो नहीं पड़ेगा हमारे रिसोर्सेज के ऊपर, तो हम बेटर जो है वो एजुकेशन, बेटर जो है वो हॉस्पिटल सर्विसेज सब जो है लोगों को दे पाएंगे। इसलिए फैमिली प्लानिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स का ये रोल है कि उनको ये सब जो है बेनिफिट्स जो हैं लोगों को समझाने हैं कि ये इससे बेनिफिट होते हैं, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एनकरेज करना है कि वो अडॉप्ट करें कोई भी फैमिली प्लानिंग जो है मेथड जो है उनको अडॉप्ट करें। जी मैम, हम ये भी देखने को मिलता है कि डिलीवरी हो जाता है उसके बाद लैक्टेशन पीरियड में किस तरह के फैमिली प्लानिंग को अपनाना चाहिए और कितने दिन के बाद अपनाना चाहिए? लैक्टेशन जो पीरियड रहता है जस्ट आफ्टर डिलीवरी, तो उसके बाद डिपेंड करता है कि मदर लैक्टेटिंग है या नहीं लैक्टेटिंग, नॉन लैक्टेटिंग है, वो बच्चे को दूध पिला रही है या नहीं पिला रही है। तो सबसे पहली बात आती है, अगर मदर बच्चे को दूध नहीं पिला रही है तो वो 3 वीक्स के बाद ही उसको कॉन्ट्रासेप्शन मेथड जो है वो कोई भी यूज़ कर लेना चाहिए। लेकिन अगर मदर जो है वो लैक्टेटिंग है, वो बच्चे को दूध पिला रही है, तो अप टू 6 मंथ्स जो है वो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है। एक्सक्लूसिव का मतलब है कि वो कुछ भी और खाना पीना जो है वो बच्चे को नहीं दे रही है, सिर्फ अपना दूध पिला रही है। और दिन में कम से कम 8 से 10 बार दूध पिलाना है और 10 से 20 मिनट के पीरियड तक वो दूध पिला रही है, तो वो हमारे शरीर में ऐसा लेवल रहेगा कि प्रेगनेंसी होने के चांसेस नहीं है। तो 6 मंथ्स तक लैक्टेटिंग मदर में कोई ज़रूरत नहीं है। और 6 मंथ्स के बाद जो है वो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड ले सकती है। उसके लिए सबसे बेस्ट होता है प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल, जिसको हम मिनी पिल कहते हैं। ये लैक्टेशन पिल भी इसको कहते हैं क्योंकि इस पिल का लैक्टेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और इसमें सबसे बेटर ये है कि कोई ऑन एंड ऑफ रिजीम नहीं है, ताकि वो भूलने का कोई इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है, तो वो उसको रेगुलरली ले सकती है और लैक्टेशन को भी ये कोई जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगा। तो बेस्ट उसके लिए है प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल। अच्छा मैम, बताइए कि कुछ महिलाओं को अबॉर्शंस होते हैं, अबॉर्शन होने के बाद ये फैमिली प्लानिंग का मेथड कितने दिन में अपनाना चाहिए और कौन सा मेथड लेना चाहिए? अबॉर्शन हो जाने के बाद जैसे ही पेशेंट की DMC हुई है, अगर उसका कंप्लीट जो है इवैक्यूएशन हो चुका है, तो उसी दिन जो है थोड़ा सा ओस ओपन रहता है, तो हम उसी दिन जो है वो कोई भी डिवाइस जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर वो ओरल पिल्स लेना चाहती है तो उसी दिन से वो पिल जो है वो कंटिन्यू कर सकती है। मैम, आपके पास ऐसा कोई मेथड्स हैं जो आप दिखा सकते हैं हमारे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर को? ये एक है टेम्प्रेरी मेथड्स में जो मैंने बताया, उसमें मैकेनिकल मेथड्स में आता है, मेल के लिए है कॉन्डोम। ये पॉलीयूरेथेन पॉच लाइक स्ट्रक्चर है जिनको मेल के लिए यूज़ किया जाता है। और ये गवर्नमेंट सप्लाई में भी आता है निरोध नाम से, और ये लोगों को फ्रीली जो है वो दिया जाता है, बांटा जाता है जो हमारी सर्विसेज हैं उसके अकॉर्डिंग। और इसके अलावा इसके सबसे ज़्यादा बड़ा बेनिफिट जो है वो है प्रिवेंशन अगेंस्ट द जो भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस हैं या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं उनके अगेंस्ट जो इन्फेक्शन जो है उसके अगेंस्ट जो है ये प्रिवेंट करता है। तो इसका सबसे बेस्ट जो है वो यही इसकी एडवांटेज है। इसके अलावा क्या है मैम? इसके अलावा ये है मालान, ये जो है वो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं। और ये पिल्स जो हैं ये कंबाइंड पिल्स हैं, इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है वो दोनों हैं। और ये भी वैसे ही वर्क करती है कि ओवुलेशन को प्रिवेंट करेगी या फिर जो हमारी गर्भाशय की झिल्ली है उसको बनने से रोकेगी, और इस तरह से ये प्रेगनेंसी को रोकती है। इनका लेने का जो सबसे मेन मेथड है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने कब स्टार्ट करनी है पिल लेना। तो पिल स्टार्ट करनी है आपने खाना तो उसके लिए है कि जो आपका मासिक चक्र आता है, मासिक चक्र का जो पहला दिन है, अपने पहले दिन से इसमें बना होता है कि 1, 2, 3, 4 इस तरह से मार्किंग होती है, 21 दिन की ये पिल होती है। तो आपने जो फर्स्ट डे है आपके मासिक चक्र का, उस दिन से आपने पिल लेना शुरू कर देना है, और फिर डेली आपने लेना है 21 दिन तक। उसके बाद जो होता है 1 वीक ऑफ रहता है, और फिर उसके बाद 8th डे पे दोबारा से आपने पिल स्टार्ट कर देना है, इरिस्पेक्टिव कि आपको जो है वो मासिक चक्र शुरू हुआ या नहीं हुआ, लेकिन आपने 1 वीक का ऑफ दे करके 8th डे से दोबारा से शुरू कर देना है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये रहता है, इसके डिसएडवांटेज ये है कि पेशेंट भूल जाती है
कि वो भूल जाएगी कि उसको पिल खाना है। तो ऐसी कंडीशन में जब पेशेंट भूल गई हो पिल खाना है, तो उसको ये एडवाइज़ कर सकते हैं कि जैसे ही उसको नेक्स्ट डे याद आता है वो उसी टाइम जो है वो उस पिल को दोबारा ले ले, दो पिल उस दिन इकट्ठा ले सकती है और फिर रेस्ट ऑफ द शेड्यूल जो है वो वैसे ही कंटिन्यू कर सकती है। लेकिन अब अगर मान लो वो 3-4 दिन के लिए भूल गई है, तो फिर उस दौरान उसको बताएंगे कि वो अपनी पिल्स लेना शुरू कर दे, लेकिन इसके साथ में जो नेक्स्ट 1 वीक है इस दौरान वो कुछ भी टेम्परेरी मेथड जैसे मैंने बताया कॉन्डोम वो सब यूज़ करें, वो इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये है कि जब भी हमने किसी पेशेंट को जो है पिल्स देनी है, तो उससे पहले हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो ऐसे पेशेंट का हमने सबसे पहले उसका वेट कितना है, उसका ब्लड प्रेशर कितना है, उसको कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ तो नहीं है, कोई लीवर का डिजीज़ तो नहीं है, तो या कोई पेल्विक एग्जामिनेशन उसकी बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर हिस्ट्री लेना, सेरोलॉजी ज़रूरी है, सर्विक्स में कोई इन्फेक्शन या किसी तरह की कोई अबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। ये सब चेक करने के बाद ही हम उसको पिल प्रेस्क्राइब करेंगे। और पिल प्रेस्क्राइब करने के बाद भी ये है कि पेशेंट को एवरी 3 मंथ्स पहले हम जो है वो यही सब एग्जामिनेशन करते रहेंगे, फिर एवरी 6 मंथ, फिर ईयरली अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसको कहना है ये सब चेकअप जो है वो करवाने ज़रूरी है, ताकि अगर कोई अबनॉर्मेलिटी आ रही है तो हम उसको डिटेक्ट कर सकें। ठीक है, और कॉपर टी के बारे में भी कुछ बताइए। इसके अलावा ये है कॉपर टी, ये कॉपर कंटेनिंग डिवाइसेज होती हैं, इसमें कॉपर टी 375 आती है, इसके अलावा कॉपर टी 380A, कॉपर टी 200B, 200B जो है वो 4 ईयर्स के लिए है, 375 जो है वो 10 ईयर्स के लिए, 380A भी जो है वो 10 ईयर्स के लिए है। तो ये कॉपर टी इनमें कॉपर कंटेनिंग होती हैं, तो इसका तो मेन काम यही है कि जो अगर स्पर्म ओवम का मिलन हो भी गया है तो उसने जो रोकना है वो है इम्प्लांटेशन को, कि जहाँ पे गर्भाशय में आकर के वो जो बना है वो वहाँ पे आकर के इम्प्लांट हो, उससे पहले जो है उसको प्रिवेंट करेगा कॉपर। और इसके अलावा जो है ये टी शेप की डिवाइस होती है और इंसर्ट की जाती है, जैसे ही पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि जैसे ही उसका पीरियड ख़त्म होगा, तो पीरियड ख़त्म होते ही 2-3 दिन के अंदर जो है हम इसको एडवाइस इंसर्ट कर देते हैं। और इंट्रोड्यूस करने के लिए जो है इसमें एक प्लंजर रहता है, कि प्लंजर रहेगा और इंट्रोड्यूसर रहेगा, हम इसको डिवाइस को थोड़ा सा जो है वो मोल्ड करके इसके अंदर एंटर करेंगे और यूटेरिन साउंड से गर्भाशय का जो लंबाई है उसको नाप करके फिर उसको पूरा फिक्स कर लेते हैं और उसके बाद प्लंजर से हल्के से पुश कर देते हैं। तो इससे क्या ये इंसर्ट करने के लिए महिला को एडमिट होना ज़रूरी होता है? ये एक सिंपल OPD प्रोसीजर है, इसके लिए महिला को एडमिट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कितने मिनट का प्रोसीजर है ये? 10 मिनट्स का, हल्दी 10 मिनट्स में ये आराम से हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है मैम, ये हॉस्पिटल जो है रूरल एरिया में है और काफ़ी सारे आसपास में गांव भी है, हमें ये देखने को मिलता है कि ये टीनेज प्रेग्नेंट लेडीज यानी टीनेज मैरिजेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो फर्स्ट टाइम अगर कोई टीनेज मैरिड लेडी अगर आपके पास आते हैं तो पहला प्रेगनेंसी डिले करने के लिए आप क्या सलाह दे सकते हैं उन्हें? टीनेज प्रेगनेंसीज जो होती हैं उसकी बहुत ही जो है हैज़र्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर हो जाना, एनीमिया, सीवियर एनीमिया हो जाना, क्योंकि उनके जो शरीर के अंग हैं वो इतना मैच्योर नहीं हुए हैं कि वो उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकें। तो इसलिए हमें उनको ये एडवाइस करना बहुत ज़रूरी है कि आपको अभी अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी जो है एटलीस्ट 2 ईयर्स जो है वो पोस्टपोन करनी चाहिए। तो उसके लिए हम उनको एडवाइस कर सकते हैं कि जो है उनके लिए जो बेटर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो या तो वो कोई टेम्परेरी मेथड यूज़ करें, लेकिन अगर वो टेम्परेरी नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो बेस्ट जो है वो OC पिल्स हैं, तो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम उनमें IUD इंसर्ट नहीं कर सकते, उससे जो है वो चांसेस ऑफ पेल्विक इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए बेटर उनके लिए OC पिल्स ही हैं। बहुत अच्छी जानकारी हमें फैमिली प्लानिंग के लिए मिला है। एक और लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी मैं, एक बच्चा और दूसरे बच्चे के बीच में कितना गैप होना चाहिए, आइडियल कितना गैप होना चाहिए? आइडियली हमें एक बच्चे के बाद दूसरा बच्चा पैदा करने के लिए एटलीस्ट 3 साल का हमारे बीच में डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि 3 साल जो हैं जो भी हमारे शरीर में जो है वो कमियां होती हैं उनको पूरा होने में 3 साल लग जाते हैं, तो इसलिए 3 साल का मिनिमम डिफरेंस जो है वो 2 बच्चों के बीच में होना चाहिए। थैंक यू वंस अगेन डॉक्टर ज्योत्सना एंड थैंक यू ऑल। प्रिय शिक्षार्थियों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि किस प्रकार हम जो गर्भनिरोधक उपाय हैं उनका प्रयोग करते हैं, आपने यह भी जाना कि कौन कौन से गर्भ निरोधक उपाय हैं और किन किन लोगों को कब कब ये अपनाने चाहिए और ये किस प्रकार से कार्य करते हैं। आइए, एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता होने के नाते आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए इसमें, इस विषय में संक्षेप में जल्दी से हम जान लेते हैं। लोगों को 2 बच्चों में जन्म के बीच 3 से 5 वर्ष के अंतराल के लिए प्रोत्साहित करें। अनचाहे गर्भ को रोकने के विभिन्न उपायों को व्यक्तिगत स्तर पर उनकी रुचि और ज़रूरत के अनुसार प्रयोग करने की सलाह दें।
दंपत्ति को परिवार नियोजन के सर्वोत्तम तरीके को चुनने में मदद करें। छोटे परिवार से होने वाले लाभ और देश में इससे होने वाले उनके योगदान के विषय में अवश्य बताएं। गर्भपात की ज़रूरी सलाह अवश्य दें, लेकिन स्वयं गर्भपात ना करें। पहले बच्चे के जन्म से पहले IUCD की सलाह ना दें और हर गर्भ निरोधक उपाय के लाभ और हानि की पूरी जानकारी दंपत्ति को अवश्य दें। आइए अब जानते हैं प्रतिरक्षण या टीकाकरण के बारे में। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि टीकाकरण के माध्यम से हम बहुत सी बीमारियों पर काबू पा सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि भारत जो है पोलियो मुक्त हो गया है। यह सिर्फ आप लोगों की जागरूकता की वजह से, लोगों में प्रतिरक्षण या टीकाकरण की जो जागरूकता है, उन्होंने अपने बच्चों को टाइम से टीकाकरण करवाया, इसकी वजह से ही संभव हो पाया है। टीकाकरण किसे कहते हैं? विभिन्न टीकों को लगाकर बच्चों व गर्भवती महिलाओं को अनेक रोगों से बचाव किया जाता है, जिसे कि हम टीकाकरण कहते हैं। अर्थात टीकाकरण के माध्यम से आप विभिन्न रोगों से बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को बचाते हैं। ये टीके सभी सरकारी अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। यह आप एक चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं कि कौन कौन से टीके कब कब लगते हैं और कहाँ कहाँ कितनी डोज में दिए जाते हैं। आइए अब देखते हैं एक वीडियो जिसमें आपको बताया जाएगा कि एक अस्पताल में या स्वास्थ्य केंद्र में शिशु रक्षक कार्ड जो होता है, जिसे हम चाइल्ड प्रोटेक्शन हेल्थ कार्ड कहते हैं, वह किस प्रकार दिखाई देता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, और एक आशा स्वस्थ जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है वह आपको बताएंगे कि किस प्रकार से बच्चों को टीके देते हुए आप जानेंगे कि वह किस प्रकार बच्चों को टीके लगा रही है और कौन सी उम्र के बच्चों को कौन से टीके लग रहे हैं और क्या क्या सावधानियाँ एज अ पेरेंट, एज अ आपको माता पिता होने के नाते बरतनी चाहिए। ये चाइल्ड प्रोटेक्शन हेल्थ कार्ड है, इसमें आप माता का नाम, बच्चे का नाम, जन्मतिथि है। ये 11 महीने की बच्ची हो गई है और इसको अब थर्ड के साथ में, इसको सबसे पहले पोलियो थर्ड दिया है, उसके बाद में इसको रोटा वायरस की बूंद दी हैं, 5 दी जाती हैं, और दूसरा थर्ड में, और तीसरा जो है इसको पेंटा थर्ड लगाया है। और इसके साथ ही मैंने इसको, क्योंकि ये 1 साल की होने जा रही है, इस पर टाइम नहीं है, तो इसलिए अब मैंने इसको खसरा फर्स्ट भी, MR फर्स्ट भी लगा दिया है। ठीक है, अब ये 1.5 साल के बाद बच्ची आएगी मेरे पास, तब इसको TD बूस्टर लगेगा, DPT, और इसको लगेगा MR की सेकंड डोज लगेगी। अब ये बच्ची आगे चल के परेशान करेगी। आज 2 दिन इसको बुखार आएगा, इसको ये टैबलेट देनी है पैरासीटामोल की। अगर बुखार आए तब इसको देना आधी में से आधी गोली, और यहाँ एक छोटा सा सिक्का सा निशान बनेगा, गोल सा, इसको स्वेलिंग आएगी यहाँ पर, बर्फ़ की सिकाई करनी, कपड़े में रख के बर्फ़ की सिकाई करनी है। ठीक है, ये 1 महीने का बच्चा है, अभी इसको सिर्फ BCG का, जो TB से बचाव करता है, वो टीका लगा रही हूँ। यहाँ पर कुछ लगाना नहीं है, ये 1.5 महीने से 1.5 महीने के बीच में पकेगा। ठीक है, इस पर कुछ नहीं लगाना, ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा, ये TB से बचाव करता है टीका। ये MR का पहला टीका है, ठीक है, इस पर कुछ नहीं लगाना, इससे बुखार भी नहीं आएगा। ठीक है, अब ये 1.5 साल का जब हो जाएगा तब आएगा मेरे पास, इस पर लगाना कुछ नहीं है। ठीक है, और ये बुखार आएगा इसको 2 दिन, बुखार में इसको ये गोली देनी है, ये 1 गोली के 2 टुकड़े कर लेना, अगर बुखार आए तो इसे आधी गोली आज दे देना, आधी कल दे देना। ठीक है, और यहाँ पर इसको बर्फ़ की सिकाई कर देना। ठीक है, इस पर बर्फ़ की सिकाई कर देना। ठीक, अब ये 1.5 साल का हो गया बच्चा, अब ये 5 साल का जब हो जाएगा तब उसके बाद इसको दूसरा बूस्टर लगेगा। ठीक है, DPT का बूस्टर लगेगा इसको। जैसा आपने वीडियो में देखा, एक आशा वर्कर के माध्यम से कि किस प्रकार बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है, कहां कहां लगाए जा रहे हैं, किस एज में कौन से टीके लगाए जा रहे हैं, और माता पिता को किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए, ये सभी चीज़ें आपको भी ध्यान में रखनी चाहिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है टीकाकरण, बच्चों को बहुत सारी बीमारियों से बचाया जा सकता है, ऐसी बीमारियों से जिसका बाद में कोई इलाज नहीं है, या बच्चों का आगे जीवन जो है आपका अपंगता में बीत सकता है, तो उन सब चीज़ों से बचाने के लिए टीकाकरण आपका करवाना आवश्यक है। तो आशा करते हैं ये कार्यक्रम आपके लिए लाभप्रद सिद्ध हुआ होगा, और आगे अन्य ऐसे अनेक कार्यक्रमों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।